आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दिल्ली में हवाई सेवा पर पड़ा भारी बारिश का असर, कई उड़ानों को किया गया डाइवर्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ हो रही बारिश, यूपी बिहार सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। ईंधन की कीमतें कम होने पर सीएम अशोक गहलोत बोले, बिना वजह वाहवाही लूट रही सरकार। केंद्र के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अब राज्य सरकारें भी घटाएं टैक्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। हंगामेदार हुई सत्र की शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ई विधान के तहत संचालित हुई कार्यवाही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत, तड़के तेज हवा के साथ बारिश। इंटरनेट मीडिया पर सुंदरियों से दोस्ती कर सकती है कंगाल, हनी टैप का हो सकता है शिकार। वैकल्पिक रूट होने के बावजूद रेलवे ने निरस्त किया 80 ट्रेनें, अब गलती का खामियाजा भुगत रहे हजारों यात्री। बुलंदशहर में बोले पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में, कुछ भी कहना जल्दबाजी। सऊदी अरब में कोरोना का कहर, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका में मंकी पॉक्स का एक और मामला, अब तक 12 देशों में फैला वायरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। एंथनी एल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, टोक्यो सम्मेलन में होंगे शामिल। फिलीपींस में बड़ा हादसा, बीच समंदर नाव में लगी आग, 7 लोगों की मौत। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पंजाब किंग्स ने 6 स्थान पर किया सीजन खत्म। लिविंगस्टन के विस्फोटक पारी के दम पर पंजाब ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए केएल राहुल बने कप्तान, उमरान मलिक पहली बार टीम इंडिया में शामिल। चेतेश्वर पुजारा को मिला काउंटी में शानदार प्रदर्शन का इनाम, टीम इंडिया हुई वापसी। रफ्तार के किंग उमरान का सपना हुआ साकार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया में मिली जगह। रिलीज से पहले दोहरे विवाद में फंसी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, करणी सेना ने की नाम बदलने की मांग। कैनस 2022 से लौटते ही अभिषेक बच्चन को मिली बुरी खबर, परिवार के करीबी सूट स्टाइलिस्ट अकबर शाहपुरवाला का हुआ निधन। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन भी हुई बम्पर कमाई।
करण जौहर ने हिंदी और साउथ फिल्मों की तुलना को बताया बेमतलब, कहा पुष्पा केजीएफ जैसी फिल्मों ने हमारे सिनेमा के स्तर को बनाया महान। हिना खान की फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का पोस्टर हुआ लॉन्च, अंधी महिला के रोल में दिखेंगी एक्ट्रेस। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।